कुछ कर सकते हैं कि इस देश का जब संविधान लिखा जा रहा था तो लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि भाई इतना काबिल व्यक्ति कौन है जो इस देश का संविधान लिखे, क्योंकि अंग्रेजों ने हमें चैलेंज कर दिया था, अगर भारतीय इतने काबिल हैं तो अपना संविधान बना लो, हम चले जाएंगे तुम्हारे देश से। पता है पूरक जो संविधान सभा थी बाबा साहब की तरफ देख रही थी और बाबा साहब ने वो संविधान बनाया। कुछ लोग आरोप लगाते हैं अरे आपने तो ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम ले लिया, आपने अमेरिका से मौलिक अधिकार ले लिए, बाबा साहब ने अपना कुछ नहीं लिखा। तो मैं उन लोगों से कहती हूँ अगर कोई कहीं से कोई चीज सीख करके उसकी कुछ चीजें अगर हमारे भारत के संविधान में लिख रहा है तो समझ लो कि उस चीज को वो पढ़ रहा है। बाबा साहब ने अमेरिका का संविधान पढ़ा, लंदन का संविधान पढ़ा, रूस का पढ़ा, ब्रिटेन का, नीदरलैंड का, पूरे विश्व को पढ़ डाला, तब जाकर के भारत को ये संविधान दिया। आप इन चीजों को समझिए, अपने आप को उस काबिल बनाइए कि आपके आगे कोई टिक ना पाए। आपसे धुके छुपे छोटी जगह पे तो लोग आपसे डिबेट करके ये कहेंगे नहीं इस देश को तो किसी और ने बनाना है। एक और मैं बात कहूंगी, लोग कहते हैं आरएसएस के राष्ट्रवाद के वजह से ये देश यूनाइट है। मैं कहती हूँ आरएसएस ने तो इस देश को टुकड़ों में बांट दिया है। अगर यूनाइट है ना तो बाबा साहब के उस संविधान के वजह से जिसमें ये प्रावधान है कि इस देश के अंदर हजारों भाषाएं बोली जाती है। कुछ संविधान में जो भाषाएं हैं, तमिलनाडु में तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, कन्नड़ा, कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, उड़िया। आपने सोचा कोई उड़िया बोल पाता है या नहीं बोल पाता, लेकिन मेरा भारत फिर भी यूनाइट है, वो लोग फिर भी एक दूसरे की भावनाओं को समझ रहे हैं। आपने सोचा कभी ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके अधिकार, उनकी बात भी संविधान में किसने की है, बाबा साहब ने। ये इसलिए यूनाइट है। अगर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में हर जगह पर हर जाति धर्म के व्यक्ति को, महिलाओं को भागीदारी किसने दी, बाबा साहब ने। ये सारा हमारे संविधान का कमाल है। और लोग कहते हैं कि हमारा संविधान खतरे में है, कौन लोग कह रहे हैं, इस देश की बहुसंख्यक बहुजन आबादी कहती है संविधान को बचाना है। एक व्यक्ति अकेला संविधान लिख करके आप सबके लिए चले गए वो इस दुनिया से, और हम यूनाइट होकर के करीब करीब 90% इस देश की आबादी, और हम कहते हैं हमारा संविधान खतरे में, खतरे में आप लोगों ने कभी सोचा ही नहीं, यूनाइट नहीं हुए, इसलिए आप कहते हो आप यूनाइट नहीं हो, एकजुट नहीं हो। आपके संविधान से कौन छेड़खानी कर पाएगा? जिस दिन आप एक दसियों लाख की संख्या में दिल्ली में जंतर मंतर पर उतर करके देखिए, आप कहते हो ईवीएम में घपला होने के वजह से चुनाव वो लोग जीत जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन खारिज कर दी जाती है, इलेक्शन कमीशन आपकी बात नहीं सुनता। मैं कहती हूँ 20 लाख की संख्या में दिल्ली की सड़कें भर दे, देखे कैसे ईवीएम नहीं हटती। लोकतंत्र से बड़ा, आपसे बड़ा कोई नहीं है। और जब लोकतंत्र में आवाज आती है तो बाबा साहब ने संविधान ऐसा भी लिखा है कि इतना लचीला संविधान है कि बाबा साहब को पता था कि आगे आने वाले समय में समय परिस्थितियां बदलेंगी तो कुछ नई चीजों को भी संविधान में समाहित करने की, कुछ चीजों को हटाने की भी जरूरत पड़ सकती है। तो इसीलिए संविधान में संशोधन होते हैं। और अगर आप लोग आवाज उठाएंगे तो कुछ चीजें हैं जिसमें ना हमारे सर्वोच्च न्यायालय, हाईकोर्ट और ये सब कहते हैं कि इसमें तो संविधान में बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन हम लोग जब उतरेंगे तो संविधान का लचीला होने की वजह से उसमें बदलाव भी हो सकता है, और लेकिन उसके लिए यूनाइट होकर के उतरना पड़ेगा, एकजुट होकर के उतरना पड़ेगा रोड पर। और मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि इस खुशबा साख सैनी मौल समाज से सिर्फ समाज का नेतृत्व करने वाले मेरे बेटे भाई पैदा नहीं होंगे, इस देश का नेतृत्व पैदा करने वाले मेरे भाई बेटे हैं। हम उस समाज से आते हैं जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी है। आपकी बेटी ने प्रूव करके दिखा दिया ना, मुझे नहीं पता था मेरी निर्भया किस जाति की है, मुझे नहीं पता था मनीषा बिटिया किस जाति की, मुझे नहीं पता। मैं बस इतना मानती हूँ मेरे देश की बेटी, उसके लिए खड़ा हूँ मैं। और आज जब मेरे भाई ने बुलाया योगेश गुप्ता भाई ने, तो मैं आ गई, क्योंकि जाति हमारी परिवार की तरह और देश भी हमारा परिवार है। सारा समाज इस देश का यूनाइट होकर के अपने आप को, सारी जातियों के समाज यूनाइट होकर के अपने आप को अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के रिश्तेदारों के लिए, अपने लोगों के लिए खड़े हो जाए, देश तो अपने आप एकजुट होकर के समृद्ध बन जाएगा और देश में बहुजन समाज की सरकार भी बन जाएगी और देश में इस बहुजन संख्या को रिप्रेजेंट करने वाला प्रधानमंत्री भी होगा। तो बैकलॉग की सिर्फ 64,000 वैकेंसियां नहीं, 64 करोड़ वैकेंसियां भी भरी जाएंगी सबको इम्प्लॉयमेंट। आपके लिए आपकी जमीन हड़पने वाले लोग खत्म हो जाएंगे।
आपकी जमीनों पे कोई कब्जा नहीं कर पाएगा, आपकी बेटियों की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख पाएगा, आपके बेटे नौकरियों से वंचित नहीं होंगे। जैसे अभी मेरे एक भाई ने कहा ना कि 100% मार्क्स लाने के बावजूद भी हमारे बच्चों के पास नौकरियां नहीं, और जब बच्चे नौकरियां मांगते हैं तो उन पर लाठियां बरसा दी जाती हैं, फॉर्म निकलते हैं SSC के, 1 करोड़ फॉर्म तक भरते हैं हमारे बच्चे। 1 करोड़ फॉर्म भरने के लिए आपको अगर 100 रुपए का भी फॉर्म करिए, आप इंटू करके देखिए कितना जाकर के पैसा राजस्व में सरकार को हम दे रहे हैं, ये भी उनके कमाने का जरिया सरकार का, टैक्स भी दे रहे हैं, लेकिन हमारे लिए अस्पताल नहीं है, हमारे जो थाने हैं वहां पर हमारे अपने लोग नहीं बैठे हुए हैं क्योंकि आवाज ही सुनने वाला नहीं है। तो इन सारे सिस्टम को, इन चीजों को बदलना है तो पॉलिटिकल भागीदारी अगर हमें लेनी है तो उससे पहले सामाजिक क्रांति हमारी आइडियोलॉजी समझनी होगी। अगर सुतलाल कुशवाहा सर जो कि हमारे बीच नहीं है, दो दो मुख्यमंत्रियों को हरा सकते हैं, तो आप सोचिए कि आज के समय में जब हमारे पास अपने लोगों से जुड़ने के लिए एंड्रॉयड फोन और एप्पल के फोन हैं, तो क्या इस भोपाल की धरती पर या किसी भी जगह हम लोग 5-6 घंटे में, मुझे लगता है सब एक दूसरे का सहयोग करने के लिए पहुंच सकते हैं एक मैसेज से। उनके लिए तो पता चला कभी लेटर भेजा जा रहा है, टेलीफोन किया जा रहा है, तब लोग जा पाते होंगे। आज हम कितने ज्यादा सोशल मीडिया के माध्यम से कनेक्टिविटी हम लोगों की जुड़ी हुई, उसका उपयोग करिए। और साथ ही साथ मैं स्पेशली मेरे बेटों से, भाइयों से, महिलाओं से कहना चाहूंगी, सीरियल देखने की जगह आप माता सावित्रीबाई फुले को यूट्यूब पे सर्च करके सुनिए, बाबा साहब को सुनिए। अभी राजकुमार भाई साहब ने एक बात कही मुझे बहुत अच्छी लगी, हम एकत्रित हो जाते हैं कि जगदेव प्रसाद जी की जयंती मनानी है, उनका शहादत दिवस मनाना है। हमारे आईकॉन को मार क्यों दिया जाता है, आपने सोचा कभी? जगदेव प्रसाद जी जिनको बिहार लेनिन के नाम से जाना जाता है, आपको पता होना चाहिए कि जब वो PCS की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे थे, बाहर अपनी फाइल लेकर के बैठे हुए, अंदर पता चल रहा है कि सारे वहां पर फर्जी बाड़ा चल रहा है, आपको नहीं अपॉइंट किया जाएगा। उसी दिन उन्होंने अपना बायोडाटा सब फाड़ा और निकल गए, उन्होंने कहा सामाजिक परिवर्तन करेंगे, उन्होंने करके दिखाया और उन्होंने कहा 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, ये जगदेव प्रसाद जी ने कहा। और जब ये अलग जगी तो वहां पर मरवा दिया गया उनको, और आज भी हम कहते हैं हम उनका शहादत दिवस मना रहे हैं। कोई और समाज से आईकॉन निकलेगा उसको भी गोली मार दी जाएगी। चंदू को आप लोग जानते हैं, चंद्रशेखर उर्फ चंदू, JNU यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले, वो पहले प्रेसिडेंट थे समाज के JNU, जो कि विश्व स्तर पर, वैश्विक स्तर पर पहचान बनाने वाली यूनिवर्सिटी है। सिवान की धरती में उनका मर्डर किया गया, आपके समाज का बेटा था, क्यों मार दिया गया, क्यों कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई? हो सकता है किसी दिन आज सीमा भी बोल लेगी, सीमा को भी गोली लगी, क्या कर लेंगे, एक और शहादत दिवस मना लेंगे, समाज को क्या मिल जाएगा। तो एक दूसरे के साथ खड़े होना है ना आपको, एक दूसरे के भागीदारी सुनिश्चित करनी है, एक दूसरे का सहयोग करना है, पॉलिटिकल पावर बनना है, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बुलेट प्रूफ गाड़ियों में सत्ता में बैठे लोग ही क्यों चले, तो लोग समाज के लिए भागीदारी दे रहे हैं, जो देश के लिए भागीदारी दे रहे हैं वो भी तो चल सकते हैं अगर उनकी जान को खतरा है। और ऐसी अब मैं उम्मीद करती हूँ इस भोपाल के इस सभागार में बैठे हर मेरे भाई से, जो भी भाई यहाँ पर बैठा हुआ है वो 1,000 नहीं मैं कहूंगी, 1 मेरा भाई 10,000 के बराबर है। 80 लाख की संख्या है यहाँ पर, आप समझिए आप कितने MLA बना सकते हैं, आप सोचिए कि आप कितना बदलाव ला सकते हैं। और आगे मैं उम्मीद करती हूं कि ऐसा मुझे बदलाव मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ के मेरे भाई बहुत सच्चे हैं, इस चीज को मैंने महसूस किया है। आप लोगों से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली जो मंच पर सभी लोग मेरे बैठे हैं भाई, योगेश भाई, धर्मेंद्र भाई, उधर हमारे जसाव भाई साहब, सर का मैं नाम मिस कर रही हूँ, माली जी, राजकुमार भाई, इधर जो हमारे नारायण कुशवाहा भाई साहब, हमारी मैडम बैठी हुई है, नाम आपका शारदा कुशवाहा जी, प्रदेश अध्यक्ष है महिलाओं की, मैं कहूंगी कि पूरे कुशवाहा साख से यानी मौर समाज की आप अगर महिलाओं को जोड़ लेंगे तो 80,000 अगर हमारी पूरी पॉपुलेशन है तो 80 लाख पॉपुलेशन है तो 40 लाख तो हमारी महिलाएं ही होगी, और 40 लाख अगर महिलाएं जिस दिन जागरूक हो जाती जिस समाज की,
वो समाज देश में दिखा देंगे कि हम कितने पावरफुल हैं। साथ में ही हमारे साथ में जो दिल्ली से आए हुए एक हमारे भाई आए हुए अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश से, सुनील मौर्या जी हैं, चेयरमैन पद के वहां दावेदार हैं, वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं, सहयोग करते हैं। तो मंच पर शायद अभी वो नहीं है, वहां गए हुए हैं। साथ में ही स्वयं अम्बेडकर हैं, एक जया जी, हम चार लोग दिल्ली से आए हुए हैं। हम लोग मौर्या भाई हमारे अपने मौर्य समाज से आ रहे हैं, अम्बेडकर जी जाटो समाज से आ रहे हैं, जया की तो अभी तक मैं बताऊं मुझे कायदे से जाति भी पता नहीं है। तो आप समझिए कि अपने सराउंडिंग, अपने भविष्य समाज को रखिए, वो सब आपकी ताकत है, सब अपने भाई हैं। जब इतनी जातियों में, पहले हम मूल निवासी थे हड़प्पा सभ्यता के टाइम पर, फिर जातियों में हमें भाई फर्केट कर दिया गया। बाबा साहब ने कहा क्या कहा, ओबीसी को उन्होंने इसमें मुस्लिम समाज की जातियां, ओबीसी समाज, एससी एसटी माइनॉरिटी और एसटी समाज, इन चार लोगों में बाइफर्केट कर दिया, बांट दिया। उन्होंने बता दिया कि हम इतने, उतनी जातियों से हम इतनी जातियों में आ गए। और मानवर साहब कांजीराम जी आए, उन्होंने कहा हम एक बहुजन समाज है। और मैं ये कहती हूँ कि हम ये बहुजन समाज अगर हैं तो एकजुट हो गए, इस दिल्ली की धरती गद्दी पर भी बैठेंगे, मध्य प्रदेश की गद्दी पर भी आप ही लोग बैठेंगे। अपने भाइयों को साथ लेकर के जाइए, यूनाइट रहिए, घर के बच्चों को पढ़ाइए, स्त्रियों को सम्मान दीजिए, अपने आप ये समाज आगे बढ़ जाएगा और देश भी तरक्की कर जाएगा। और फिर से यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक साम्राज्य जैसा एक साम्राज्य नहीं लेकिन हाँ लोकतांत्रिक साम्राज्य जरूर स्थापित हो जाएगा। जय ज्योति, जय भीम, जय बिरसा मुंडा। और साथ में एक और बात कहूंगा, माता सावित्रीबाई फुले जी की सभी लोग हम लोग बात कर लेते हैं। आपको पता है माता सावित्रीबाई फुले जी के पास जब जमीन नहीं थी स्कूल खोलने के लिए, फातिमा जी का नाम सुना है आप लोगों ने, फातिमा शेख मुस्लिम समाज की हमारी बहन ने उनको जमीन दी थी स्कूल खोलने के लिए। हमारे महापुरुषों के संघर्ष और उनकी यूनिटी बहुजन समाज की, इसको हमें समझने की बहुत जरूरत है, तभी हम यहाँ तक पहुंचे और आगे भी पहुंचेंगे ऐसी उम्मीद करती हूँ। बाकी मेरे भोपाल के सभी भाइयों का, इस भोपाल की कुशवाहा प्रांतीय कुशवाहा समाज मध्य प्रदेश के, उनकी पूरी कमेटी का, पूरे मध्य प्रदेश से आए जिला कमेटी के सारे अध्यक्ष माताओं बहनों का, जितने भी पदों पर आसीन है सभी भाइयों का, मैं व्यक्तिगत रूप से नाम नहीं ले सकती, सभागार में उपस्थित मेरे सभी भाइयों का आप ऐसे समझ लेना कि इंडिविजुअली मैं सबका नाम ले रही हूँ, सभी में आप सबका नाम शामिल है, मेरी सभी माता